रीवा में एफआईआर आपके द्वार पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस महानिरीक्षक ने फ्लैग ऑफ कर डायल 100 को रवाना किया। रीवा के समान थाना एवं ग्रामीण अंचल में माओगंज थाने में यह सुविधा प्रारंभ की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से डायल 100 मारपीट, चोरी एवं सड़क दुर्घटना के मामलों पर एफआईआर दर्ज कर उसकी कॉपी वहीं दे देगी। पुलिस की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने अब से पुलिस डायल 100 के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुन घटना स्थल पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगी। इसी कड़ी में आज पुलिस कंट्रोल रूम स्थित रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा फ्लैग ऑफ कर डायल 100 को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जिले में एक शहरी समान थाना एवं ग्रामीण अंचल में मऊगंज थाने में यह सुविधा प्रारंभ की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनमें 3 प्रकार के केस निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मारपीट, चोरी एवं सड़क दुर्घटना के मामलों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधिकारी एवं डायल 100 के पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगे। आज प्रदेश के माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा एक अभिनव पहल किया गया है। उनके पहल पे एफआईआर आपके द्वार पुलिस द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे ही कोई पीड़ित व्यक्ति मारपीट का पीड़ित हो, चोरी की जिसके यहाँ हुई हो, या एक्सीडेंट का पीड़ित हो, एक बार डायल 100 उसके पास जाती है और दूसरे बार वो उसे थाने आना पड़ता है एफआईआर के लिए, क्योंकि वहीं पे कंप्यूटर और इन सब की व्यवस्था है। और आज से ये हमने किया कि साधारण धाराओं में ये 3 कैटेगरी की धाराएं जो हमने बताई आपको, मारपीट, साधारण मारपीट, चोरी और एक्सीडेंट के मामलों में डायल 100 जब स्पॉट पे जाएगी तो उसी समय तत्समय ही उसकी एफआईआर लिखी जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।